हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ एजुकेटर, और आज मैं कराऊंगा भाई आपको एक्सरसाइज 2। सर, एक्सरसाइज 2 में 10 क्वेश्चंस हैं, तो हमने क्या किया बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको डिवाइड कर दिया। मतलब पार्ट 1 में करेंगे हम 5 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। एक्सरसाइज पार्ट 2 में करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो अब से पहले मैंने आपको क्या पढ़ा दिया भाई, मैंने आपको 2 कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और एक एक्सरसाइज वीडियो आपको दे दी। सबसे पहले वाली कॉन्सेप्चुअल वीडियो में आपको पढ़ाया गया था एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स, जिसके ऊपर डिपेंड थी एक्सरसाइज 1। फिर आपको पढ़ाया गया भाई क्या, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, जिसके ऊपर बेस्ड है ये वाली एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 बॉस। कहने का मतलब ये हुआ सर, एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन्स, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पूरा एक लेंथी वीडियो बनाई थी जहां पर आपको पढ़ाया गया था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ नॉर्मल पॉलीगन, ये सारी बातें आपको पढ़ाई गई थी, सारे फॉर्मूले ड्राइव भी किए थे, और इस पर डिपेंड थी सर आपकी एक्सरसाइज 1, करेक्ट। इसमें भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर के आपको पढ़ाया था। इसके बाद आपको पढ़ाया गया सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस पर डिपेंड है एक्सरसाइज 2 एंड 3। मतलब अब जो दो एक्सरसाइज हैं आपकी, एक सेकेंड एक्सरसाइज और एक थर्ड एक्सरसाइज, दोनों की दोनों इस पर डिपेंड है भाई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट पर। तो मैंने क्या किया, एक बड़ी सी वीडियो बनाकर उसमें सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कैपेसिटी किसका, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का, यहाँ पे आपको फॉर्मूले समझाए भी हैं, फॉर्मूले ड्राइव भी कराए हैं, फॉर्मूलों को आपको रियल लाइफ से कनेक्ट भी कराया है, मतलब फॉर्मूलों को आपको बताया भी है कैसे कैसे ये आए हैं। ऑल राइट, आगे बात समझ, और इस पर ये बेस्ड है भाई ये वाली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2 और इसकी अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3। बस 3 ही तो एक्सरसाइज है, आ गई बात समझ। हाँ सर, समझ में आ गई बात, स्टार्ट कर दो बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है आपको फ्री एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन, मतलब केजी से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, बिल्कुल फ्री, निःशुल्क आपको मिल जाएंगे भाई। कहाँ पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, और हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड नहीं की तो कर लो भाई, और हमारे यूट्यूब पर तो है ही है। यस सर, सब्सक्राइब कर दिया सर, वेरी गुड, नहीं किया तो बॉस अभी भी टाइम है, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोर देन 44,000 वीडियोज़ हैं, मतलब ये हुआ सब कुछ फ्री मिलता है बॉस, सब कुछ, हर क्लास का हर कॉन्सेप्ट, हर सब्जेक्ट, एवरीथिंग। इसी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पर्सनली डेवलपमेंट कोर्सेज, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम लोग कराते हैं। हमारा एक चैनल और है जहाँ पर हिंदी मीडियम की वीडियोस आती हैं, ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब कर दो बॉस। चलिए भाई, बहुत हो गया, स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास सर। ओके, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन 1। देखिए भाई, क्वेश्चन 1 है, देर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर जो है, एडजॉइनिंग मतलब इसके साथ, इसी के साथ में जो फिगर है, एडजॉइनिंग फिगर, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं। हाँ सर है, तो बॉक्स ए बॉक्स बी, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, अंडरस्टूड, इन दोनों में से कौन सा बॉक्स में, किस बॉक्स में कम मटेरियल लगेगा। अगर हम किसी गत्ते से या किसी कार्डबोर्ड से, किसी भी चीज़ से अगर हम ये बनाते हैं, राइट, हार्ड बोर्ड से, सॉफ्ट बोर्ड से, किसी से भी अगर हम ये बनाते हैं, कोई भी मटेरियल अगर लेते हैं जिससे हम ये बनाते हैं, तो इन दोनों में से किस में लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज़ होगा, सबसे कम, इन दोनों में से कम शीट कहाँ यूज़ होगी अगर हम किसी शीट से ये बनाते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, देर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस, क्यूबॉइडल बॉक्सेस, हाँ सर, क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और ये
सर ये तो क्यूब है क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है, तो ये क्या है? सर ये तो क्यूब है, यहां पे लिखा है क्यूबॉइड। बेटा मैंने आपको बताया था अगर अगर क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल कर दो तो वो बन जाता है क्यूब। तो क्यूब क्या है? क्यूब इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड। क्यूब भी क्यूबॉइड है। एवरी क्यूब इज क्यूबॉइड बट एवरी क्यूबॉइड इज नॉट अ क्यूब। हर क्यूबॉइड क्यूब नहीं होगा लेकिन हर क्यूब क्यूबॉइड होगा। कौन सा क्यूबॉइड क्यूब होगा? जो जिस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होगी वो वाला क्यूबॉइड क्यूब होगा। इसका मतलब यहाँ पर दिया है, सही बात लिखी है बिल्कुल, ये दोनों क्यूबॉइड है। करेक्ट, ये तो क्यूबॉइड है ही है, ये क्यूब भी है क्यूबॉइड भी है। आ गई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई बात। अब देखते हैं भाई, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। कम शीट कहाँ लगेगी, इसमें या इसमें? तो भाई देखो ये बॉक्स है, मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, एक बॉक्स मैंने ले लिया भाई, यहाँ ध्यान से देखिए, एक बॉक्स मेरे पास है। सपोज ये वाला बॉक्स ये है, ये 60 सेंटीमीटर सपोज कर लो, ये 40 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। इसको बनाने में कितनी शीट लगी? देखो भाई कहाँ कहाँ लगा है शीट, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ भी लगी है और यहाँ भी लगी है, राइट। इसको बनाने में शीट कहाँ कहाँ लगी है? लेटरल सरफेस एरिया पर, मतलब ये लेटरल फेसिस पर, टॉप पर और बॉटम में। तो जितना इस पूरे क्यूबॉइड का एरिया होगा, मतलब ये वाला फेस का एरिया प्लस 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 ये वाला फेस का एरिया, उतना ही पूरी शीट का एरिया होगा। होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई, आ गई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई। अगर आप इसको इसका नेट डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? ऐसे ही बनेगा सर, देखो। और टॉप बॉटम बेस साइड साइड ये भी साइड आएगी, ये भी साइड आएगी और सर ये भी साइड है। साइड 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 और ये टॉप, ये इसका नेट बनाया मैंने। इन सारे फेसेस का एरिया का सम इक्वल टू TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। तो भाई मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा इस क्यूबॉइड का? इस क्यूबॉइड का मुझे फाइंड करना पड़ेगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसका भी क्या फाइंड करना पड़ेगा? TSA, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि शीट लग रही है 6 के 6 फेस पर। सही है बात? हाँ सर समझ में आ गई बात। पहले इतना काम कर लेते हैं भाई। देखो भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना है आपको बहुत। सॉल्यूशन, बात करते हैं फॉर फिगर ए, फॉर फिगर ए ये हमने हेडिंग बनाई। इस हेडिंग के अंडर जो भी वर्क होगा वो ए फिगर के लिए होगा, ठीक है सर? ओके, क्या गिवन है? लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड ए के अंडर है तो क्यूबॉइड ए की बात चल रही है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड स्मॉल एल कह दो या कैपिटल एल कह दो, इट्स अप टू यू। लेंथ 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट है भाई 50। क्या फाइंड करना है आपको?
आपको फाइंड करना है टीएस से। टीएस से क्यों? क्योंकि आपको बताना है कितनी कितना शीट लगा, कितनी शीट लगी इसमें। देखते हैं भाई, एरिया ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। भाई अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो याद कर लो, और जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैंने बनाई थी जहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाया गया था, उस वीडियो को अच्छे से देख लो, वहाँ पर आपको फॉर्मूले समझाए हैं, आपको बताया गया है ये फॉर्मूला क्यों आया, इसके पीछे का रीज़न आपको बताया गया है। करेक्ट? नहीं देखी वीडियो तो जा करके देखो बॉस। एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है सर? ओके, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। सिक्सटी इंटू फोर्टी प्लस फोर्टी इंटू फिफ्टी प्लस फिफ्टी इंटू सिक्सटी, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है सर? सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, दो ज़ीरो, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, दो ज़ीरो, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, दो ज़ीरो। तीन हज़ार और दो हज़ार, पाँच हज़ार, पाँच हज़ार और चौबीस सौ, फाइव सिक्स सेवन, सेवन फोर ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो एज इट इज़, टू फोर ज़ा एट, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, वन फोर एट ज़ीरो ज़ीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये आ गया एरिया ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ए। हेडिंग हमारी ये चल रही है फॉर फिगर ए, इसका मतलब इसी वाले क्यूबॉइड की बात हो रही है। कैसे किया? कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करेंगे, पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। स्मॉल एल बी एच से डिनोट किया है, आप कैपिटल एल बी एच से डिनोट कर सकते हो, डिनोट करना इंपॉर्टेंट है, डिनोट करोगे तभी आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर पाओगे। ठीक है भाई, हमने स्मॉल से यूज़ किया तो फॉर्मूला स्मॉल में लगाया, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? बेटा क्योंकि हमें बताना है शीट कहाँ कहाँ लगी। मान लो मटेरियल जो है वो शीट है, कोई शीट है, शीट कहाँ कहाँ लगी, इसको बनाने के लिए शीट लगेगी छः के छः फेस पे, छः के छः फेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया कवर हो गया। तो एरिया ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए का फॉर्मूला ये रहा। एल बी एच की वैल्यू पुट की, यहाँ पर आपका आंसर आ गया, मतलब कितनी शीट लगी, इतनी शीट लगी सर, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट लगी। इसको कर लीजिएगा नोट, इसके बाद हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, मतलब बी पार्ट का हम ऐसे ही करेंगे सेम। बी पार्ट का क्या फाइंड करेंगे? टीएसए, नोट कर लीजिएगा जल्दी से सर। ऑल राइट, हो गया नोट? हाँ सर हो गया नोट। अब हम सेम काम करने वाले हैं, सेम काम करने वाले हैं बी वाले फिगर के लिए। ये कहीं पे लिख लो, इसका एरिया क्या आया था? 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया था, राइट? क्योंकि अभी हमें बताना है विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, दैट्स वाई। चलिए सर, अब देखिए, अब की बार हेडिंग बनेगी फॉर फिगर, फॉर फिगर बी। देखिए ध्यान से, ये जो है आप ध्यान से देखिए, ये क्या है सर? यहां लिखा है क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल बॉक्स, बट ये है क्यूब। अगर मैं इसको क्यूबॉइड मान के करूं तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट की तीन अलग अलग वैल्यूज, मतलब लेंथ की, ब्रेथ की, हाइट की, तीनों की जगह मुझे ये रखना पड़ेगा, करेक्ट? और अगर मैं इसको
क्यूब मान के करूं तो ये एल बी एच हो जाएगा ए, आ रही है बात समझ? तो इसको आप कैसे भी कर लो, हालांकि यहाँ पे क्यूबॉइड लिखा है तो आप क्यूबॉइड की फॉर्म में ही करो इसको, अगर आप क्यूब बना के भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर? तो देखते हैं कैसा होगा, देखो ध्यान से, सेम काम, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, अब ये चल रहा है सारा काम हेडिंग इस वाली में, फोर फिगर बी में, तो ये बी के लिए ही अंडरस्टूड है। कैपिटल एल कह दो इसको, आप कह सकते हो कैपिटल एल, नो वरी, 50 सेंटीमीटर ब्रेथ, ऑफ क्यूबॉइड कैपिटल बी, ये भी सेम है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड एरिया ऑफ विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल आप इसको लिख सकते हो मटेरियल रिक्वायर्ड लिख सकते हो, ऑल राइट, अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, कितना मटेरियल लगा भाई, जितना इसका एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ हाइट सब 50 है, इजी है? हाँ सर बहुत इजी है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ जाएगा, 0 0 2 5 10 वन कैरी, 7 2 14 एंड 1 15, 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, भाई इसका आया 14800, इसका आया 15000, तो इसके बाद कवर क्या करेंगे सर हम, इसके बाद हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, सिंस 14800 इज लेस देन 15000, ऑल राइट, देयरफॉर Which box requires the lesser amount? Box A requires lesser amount of material. आगे बात समझ, ये वाला वर्क आएगा भाई लास्ट में आपका, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, ऑल राइट, आई होप आपको लिखा हुआ भी ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा छोटा लिखा है बट है बड़ा आसान ये, ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर समझ में आ गया, आपने क्या किया, पहले आपने इसका TSA फाइंड किया, फिर आपने इसका TSA फाइंड किया, TSA क्यों फाइंड किया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि शीट जब लगेगी वो सारे फेस पे लगेगी, ऑल राइट, जितना इसका एरिया होगा उतना ही एरिया उस शीट का होगा जिस शीट से ये बना है, आ गई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई बात, तो पहले आपने इसका फाइंड किया, फिर आपने इसका फाइंड किया, आपने देखा इसका कम है इससे, देख लीजिएगा 14800 छोटा है 15000 से,
ऑल राइट, इसका मतलब बॉक्स ए रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। क्वेश्चन लेंथी था बट बहुत बहुत ज्यादा आसान था, जल्दी से कर लो इसको नोट बच्चों। हो गया नोट? हाँ सर हो गया नोट, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। ठीक है तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन बेहतरीन था ये, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज हेयर ऑन द स्क्रीन। अ सूट केस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। एक सूट केस है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। जब भी इस तरह से लिखा हो इसका मतलब ये पहली वाली लेंथ, दूसरी वाली ब्रेथ, तीसरी वाली हाइट होती है। ओके, इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन। टारपोलिन क्लोथ से इसको कवर करना है। किस किस ने टारपोलिन क्लोथ देखा है? देखा है ना, बस ठीक है बहुत बढ़िया। टारपोलिन एक क्लोथ आता है मार्केट में, प्लास्टिक का होता है, उससे इसको कवर करना है इस वाले सूट केस को। ओके, हाउ मेनी मटेरियल ऑफ टारपोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूट केस। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, पहले देख लीजिएगा। एक सूट केस है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है, मतलब वो सूट केस क्यूबॉइड की फॉर्म में है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वो सूट केस क्यूबॉइड की बॉक्स में है, उसको कवर करना है किससे? टारपोलिन से। टारपोलिन मतलब एक कपड़ा आता है एक तरह का, उससे कवर करना है। आप नॉर्मल समझो, एक कपड़े से कवर करना है, दैट्स इट। ओके, हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर। जो टारपोलिन है उसका रोल ऐसा है, ये टारपोलिन का रोल है, इसके ऊपर टारपोलिन चढ़ी हुई है, ध्यान से समझिए, इसके ऊपर टारपोलिन चढ़ी हुई है ऐसे। ऑल राइट, इसको खोलते जाओगे ये बढ़ती जाएगी, इसको खोलते जाओगे ये बढ़ती जाएगी। ऑल राइट, इस टारपोलिन की विड्थ, चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई होगी ना भाई, ये इसकी चौड़ाई होगी, इसकी ये लंबाई होगी। ऑल राइट, ये थान है पूरा, इस क्लोथ का ये थान है, अंडरस्टूड? टारपोलिन का ये थान है पूरा, ये इसकी चौड़ाई है, और लंबाई कितनी है? जितनी इसके अंदर लिफ्टी हुई होगी उतनी इसकी लंबाई है, खोलने के बाद चलेगा पता पूरा। ओके, तो इसकी विड्थ दी हुई है भाई 96 सेंटीमीटर। ऑल राइट, अंडरस्टूड? अब इसका हम कपड़ा निकालते रहेंगे और इसको इसके कवर बनाते रहेंगे, इसका कपड़ा निकालते रहेंगे, इसका कवर बनाते रहेंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अगर अगर ऐसे ऐसे आप 100 कवर बनाएंगे, या फिर आप कहो 100 सूट केस के आपको कवर बनाने हैं, अंडरस्टूड? मतलब कहने का 100 कवर्स आपको बनाने हैं इस सूट केस के, क्योंकि 100 सूट केस है। ऑल राइट, तो भाई कितनी लेंथ लगेगी, कितना लगेगा ये, कितना लगेगा, कितना लगेगा सर? भाई जितना इसका एरिया होगा उतना ही 100 सूट केस के कवर का एरिया होगा, दैट्स इट, क्योंकि इससे ही तो वो बन रहा है। आ रही है बात समझ? जितना टारपोलिन का एरिया होगा उतना ही 100 सूट केस का एरिया होगा, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया भाई। और ये इसकी शेप कैसी है? ब्रेथ और लेंथ, इसकी शेप रेक्टेंगुलर है, अंडरस्टूड? ये रेक्टेंगुलर शीट है। ऑल राइट भाई, देखिए सपोज दैट ये है वो शीट, ये रहा भाई थान टारपोलिन का, हाइट मतलब ये ऐसे है ना, ये ब्रेथ कितनी है भाई 96, ये है लंबाई, ये खुलता जाएगा ऐसे करके, ये ऐसे करके खुलता जाएगा और यूज होता जाएगा, लेकिन इसकी जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है, तो ये रेक्टेंगल जैसे कि वर्क करेगा। ऑल राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो बताना है कितनी लेंथ का कपड़ा चाहिए अगर आपको ऐसे ऐसे 100 सूट केस का कवर बनाना है तो। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, मतलब हमारी जो मेन लाइन होने वाली है वो ये होने वाली है, एरिया ऑफ टारपोलिन
एरिया ऑफ तारपुलिन क्लोथ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ एरिया ऑफ वन सूटकेस कवर। आई बात समझ? कितना एरिया लगेगा तारपुलिन का? 100 सूटकेस के एरिया के बराबर। 100 सूटकेस का एरिया का मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन सूटकेस कवर। अंडरस्टूड? एरिया ऑफ वन सूटकेस कवर। अब बात अगर लिखी हुई दिखती है आपको, एरिया अगर आपको कहीं एरिया लिखा हुआ दिखे, तो भैया इसका मतलब मान जाओ, समझ जाओ कि टोटल सरफेस एरिया की बात चल रही है। अगर मैंने लिखा है यहां पर एरिया ऑफ वन सूटकेस कवर, इसका मतलब कितना, मतलब क्या सर? पूरे सूटकेस को कवर करना है। आ रही है बात समझ? हाँ सर, समझ में आ रही है। और इसकी आप इसको और थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो आप, 100 मल्टीप्लाई बाय क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर वन सूटकेस। ऑल राइट? हाँ सर, ये 100 करो यहां पर, 100 मल्टीप्लाई बाय क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर वन सूटकेस का मतलब TSA ऑफ सूटकेस। ऑल राइट, 100 मल्टीप्लाई बाय TSA ऑफ सूटकेस आपको पता है 2 LB + BH + HL। ठीक है भाई, ये थी हमारी मेन लाइन। अब आप करोगे गिवन वर्क, लेंथ ऑफ सूटकेस। भाई मेन लाइन यही थी, समझ में आ गई बात? लेंथ ऑफ सूटकेस स्मॉल एल 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ सूटकेस 48 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सूटकेस 24 सेंटीमीटर। आया समझ? लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन थी हमने, लिख ली। और क्या गिवन है सर? और गिवन है विड्थ ऑफ तारपुलिन, तो वो भी लिखना पड़ेगा। जगह तो है नहीं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। हाइट ऑफ तारपोलिन क्लोथ कैपिटल एच से बताया कितना है भाई, 96 सेंटीमीटर। ऑल राइट, आपको बताना है भाई इसका हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तारपोलिन ऑफ विड्थ, मतलब तारपोलिन की लेंथ आपको बतानी है। हमें नहीं पता लेंथ कितनी है, तो हम लिखेंगे यहां पे लेट एल बी दा लेंथ ऑफ तारपुलिन क्लोथ। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा इसको, उसके बाद का वर्क करेंगे अभी। आप इसको पहले नोट करिएगा, फिर मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन इसको करने वाला हूं। हाँ बॉस, तो ध्यान से देखिएगा, ये सब तो फॉर्मेलिटी हो रही थी, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, तारपुलिन का जो थान है उसकी विड्थ क्या है, करेक्ट? उसकी विड्थ कह दो या उसकी हाइट कह दो, एक ही बात है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ सर समझ में आ गई बात। हमने तारपुलिन की लेंथ को मान लिया एल। अब देखिए एरिया ऑफ तारपुलिन, तारपुलिन रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो लेंथ है, ब्रेथ को हमने माना हाइट, तो इसको हम कहेंगे एल इंटू एच। सही है सर? और लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, एल है।
एच कितनी है, एच है 96। यहां तक सेट है वो? हाँ सर सेट है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, एल बी एच की वैल्यू पुट करनी है इस साइड में। लेफ्ट साइड में है एल इंटू 96 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई टू एल इंटू बी। एल है 80 इंटू बी 48 प्लस 48 इंटू 24। एल बी एच की वैल्यू पुट की और कुछ नहीं हुआ भाई, 24 इंटू 80। ठीक है सर? हाँ सर ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी और आपने नोट भी कर लिया है। ठीक है सर? ओके। तो ये है एल इंटू 96 इक्वल टू 100 इंटू 2। अब देखिए 24 24 48 48 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 24। मैं 24 कॉमन ले सकता हूँ। अंदर बचा आपका 80 इंटू 2 प्लस 24 बाहर आ गया 48 प्लस 24 बाहर आ गया 80। बाहर क्यों निकाला? क्योंकि मुझे दिख रहा है 96 कट जाएगा 24 से। 24 फोर ज़ा 96, 2 टू ज़ा 4। बहुत बढ़िया सर। 250 ज़ा 100। बहुत ज़्यादा कट चुका है, बहुत बढ़िया हो गया क्वेश्चन, कैलकुलेशन आसान हो गई है। 50 इंटू 80 इंटू 2 160 प्लस 80 प्लस 48 50 इंटू 160 और 80 240 240 और 48 288 0 288 इंटू 5 144 ऑल राइट 1440 1440 और ये वाला ज़ीरो एज इट इज सेंटीमीटर। तो भाई कितनी लंबा, कितना लंबा तारपुलिन क्लॉथ लग गया? व्हाट इज द लेंथ ऑफ तारपुलिन क्लॉथ? 14400 सेंटीमीटर, करेक्ट। इसको आप मीटर में लिख सकते हो या सेंटीमीटर में ही आप रहने दीजिएगा, करेक्ट। Therefore, length of tarpaulin cloth required equal to 14400 centimeter divided by 100 आ जाएगा मीटर में 144 मीटर। ये आ गया भाई आपका आंसर। है ना आसान? हाँ सर बहुत आसान है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, समझने लायक क्वेश्चन है ये भाई। आपके पास एक शीट, आपके पास एक थान है तारपुलिन क्लॉथ का, करेक्ट। ये रहा भाई तारपुलिन क्लॉथ का थान, सही है। इसकी जो ये हाइट है, ये मतलब विड्थ जो है इसकी, वो पता है आपको कितनी, 96। इसकी लंबाई नहीं पता, ये लंबाई कितनी यूज़ होगी ये नहीं पता। कहाँ यूज़ करना है? एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, सूटकेस है क्यूबॉइड की फॉर्म में, उसको कवर करना है। कितने क्यूबॉइड, कितने बॉक्स को कवर करना है? 100 को। तो भाई जितनी इसकी लेंथ होगी, जितना इसका एरिया होगा, उतना ही एरिया होगा किसका, कितना कितना कपड़ा यूज होगा भाई, जितना उनका 100 का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ तारपुलिन क्लॉथ इक्वल टू एरिया ऑफ 100 कवर्स। और ये रेक्टेंगल की फॉर्म में, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ पता नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ पता है हाइट, इक्वल टू 100 इंटू एरिया ऑफ वन सूटकेस। आगे बात समझ। इस पूरी इक्वेशन में क्या अननोन है? एक एल अननोन है, ये पता है, बाकी सब पता है। सॉल्व किया, एल की वैल्यू निकल गई कितनी, 14400 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड क्लोथ, तारपुलिन क्लोथ रिक्वायर्ड इक्वल टू 14400 सेंटीमीटर। आंसर ये भी है, आंसर ये भी है मीटर में। एकदम जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। हो गया नोट, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हूज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आसान क्वेश्चन है भाई, पिछले दो के कंपेयर में बहुत ज़्यादा आसान है। एक
क्यूब है उसका सरफेस एरिया दिया है। देखिए मैंने आपसे कहा था अगर सरफेस एरिया लिखा है इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया, अंडरस्टूड है ये। तो टीएस से गिवन है सर, टीएस से गिवन है, आपको क्या बताना है साइड। लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब, लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया कितना है सर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला भाई, सरफेस एरिया का मतलब टी एस ए, और टी एस ए ऑफ क्यूब होता है 6 a square आप कह सकते हो। साइड को कहा गया है a, मैंने a माना है साइड, 6 a square equal to 600, a square हो गया। आसान सा क्वेश्चन, 600/6, a square हो आपका 100, a square आपका 100 हुआ तो a हो गया आपका अंडर रूट 100। आंसर प्लस माइनस दोनों आएंगे, लेकिन ये साइड है, साइड कांट बी नेगेटिव, तो ए 100, रूट 100 का मतलब 10 × 10, तो ए कितना हो गया, ए हो गया भाई 10 सेंटीमीटर, साइड कांट बी नेगेटिव। इसके बाद आप लिखोगे, क्या लिखोगे सर, इसके बाद आप लिखोगे देयरफोर साइड ऑफ क्यूब equal to 10 centimeter, that's it। आ गया समझ? आसान सा ये क्वेश्चन था, बहुत बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। ओके बॉस, ठीक है बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन को करते हैं। आसान सा ये क्वेश्चन था भाई, एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 meter × 2 meter × 1.5 meter, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम ऑफ द कैबिनेट। क्वेश्चन समझ में आया भाई? ये एक बॉक्स है, ऑल राइट, ये एक बॉक्स है, ये कैबिनेट है, क्लियर, और इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, इसकी हाइट है, मतलब ये क्यूबॉइड की शेप में है। दिस इज क्यूबॉइडल कैबिनेट, ऑल राइट, दिस इज क्यूबॉइडल कैबिनेट। रुखसार ने इसको पेंट किया और पेंट कहाँ कहाँ किया, ऑल, सब जगह पेंट किया, यहां भी, एक्सेप्ट द बॉटम, बॉटम पे पेंट नहीं किया। कहाँ कहाँ पेंट किया सर भाई? सपोज ये कैबिनेट है तो कहाँ कहाँ पेंट किया, यहाँ किया, यहाँ नहीं किया। ठीक है सर, समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑल राइट, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, मतलब एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया पेंट होगा वो आपको बताना है। ऑल राइट, देखो भाई क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैं अभी समझा दूंगा आपको, पहले आप देख लो एक बार क्या क्या गिवन है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल कैबिनेट, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल कैबिनेट कितना है सर लेंथ? थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल कैबिनेट लेंथ कितनी है भाई? 1 meter, ब्रेथ
कैबिनेट, कितनी है ब्रेथ? 2 मीटर, हाइट 1.5 मीटर. देखिए भाई, हाउ मच सरफेस एरिया शी कवर, कितना सरफेस एरिया कवर करेगी इफ शी पेंटेड ऑल, सब जगह पेंट किया, सब जगह पेंट किया, कहां नहीं किया? बॉटम में नहीं किया. तो भाई देखो, रिक्वायर्ड एरिया, हाउ मच सरफेस एरिया, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया लिख सकते हो आप लिख सकते हो एरिया टू बी पेंटेड इक्वल टू कहां का किया, चारों तरफ किया, तो लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया. और कहां कहां किया सर? लेटरल सरफेस एरिया एंड एक्सेप्ट बॉटम, बॉटम पे नहीं किया, तो प्लस एरिया ऑफ टॉप, प्लस एरिया ऑफ टॉप. आप एक काम और भी कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया में से बॉटम आप माइनस कर सकते हो. अगर आप टीएससी में से बॉटम माइनस करोगे तो भी यही आएगा, लेटरल सरफेस एरिया और टॉप, करेक्ट? दोनों में से आप कुछ भी करो बात सेम है. लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, आपको फॉर्मूला याद है, 2 × L + B × H. अगर ये भी याद नहीं तो मैंने आपको ड्राइव करवाया था, चारों फेस का एरिया निकाल दो, इसका 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 इसका, ऑल राइट, निकाल दोगे L × H, L × H और इस वाले का B × H, B × H, ऑल राइट, यही आ जाएगा. प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप कैसा है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, L × B. अब आप देखिए, मैंने कैपिटल में लिखा था तो फॉर्मूला कैपिटल में ही लगाना पड़ेगा मुझे. बहुत बढ़िया भाई, टू लेंथ, लेंथ कितनी है भाई, टू लेंथ कितनी है इसके अकॉर्डिंग, लेंथ ये है, हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे भाई, 1 + ब्रेथ 2 × हाइट 1.5 + लेंथ 1 ब्रेथ 2. इसको मत देखिए भाई आप कि ये लेंथ है लंबा है तो नहीं, फॉर्मेट हमारा होता है L × B × H, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, ठीक है सर? बस सॉल्व कर लो इसको, 2 1 + 2 3 × 1.5 2 1 = 2. टू इंटू थ्री इंटू 1.5 ये हो गया 2 × 3 = 6, 6 × 1.5 6 × 1.5, और ये भैया प्लस में है, प्लस 2 × 1 = 2, प्लस 2 ये आ गया 9 + 2 = 11 11 meter square. तो कितना एरिया पेंट होगा भाई, 11 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट होगा. अंडरस्टूड? आ गई बात समझ? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस समझना है. क्वेश्चन में मेन बात यह है कि सब जगह पेंट किया, बॉटम पे नहीं किया, तो कहां कहां किया? एरिया ऑफ फोर वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ टॉप, या फिर टीएससी माइनस एरिया ऑफ बॉटम. टीएससी माइनस एरिया ऑफ बॉटम करेंगे तब भी यही आएगा. आ गई बात समझ? हाँ सर, समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा. आसान सा ये क्वेश्चन था भाई, नोट कर लीजिएगा जल्दी से. ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ सर समझ में आ गया. आप लिख सकते हो देयर फोर या फिर हैंस शी कवर 11 मीटर स्क्वायर एरिया, ऐसे आप लिख सकते हो. रिक्वायर्ड सरफेस एरिया भी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा. ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन. डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर 7 मीटर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन में लिखा है, डैनियल
पेंट कर रहा है वॉल्स एंड सीलिंग. वॉल्स एंड सीलिंग मतलब बॉटम को नहीं कर रहा. एरिया ऑफ फोर वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया और टॉप एरिया ऑफ टॉप. ओके, हॉल की, हॉल में दीवारों पर और छत पर पेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया. हॉल की लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, रेस्पेक्टिवली लिखा है, बहुत बढ़िया. फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड. मतलब एक पेंट की केन है, केन में आता है ना पेंट, तो पेंट की हर केन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो जाता है. एक केन से कितना पेंट होता है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता है. हाउ मेनी केन्स ऑफ पेंट विल शी नीडेड टू पेंट द रूम. तो बताइए रूम में कितनी केन्स लग जाएंगी. देखिए भाई रूम्स में कितनी केन लग जाएंगी, पहला आप देखो रूम में कितना एरिया पेंट होना है. रूम में कितना एरिया पेंट होना है, तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड बनाते हैं. लेंथ ऑफ हॉल, भाई लेंथ ब्रेथ हाइट है तो जाहिर सी बात है क्यूब ऑर्डर होगा. लिखना चाहो तो आप लिख लो लेंथ ऑफ क्यूब ऑर्डर हॉल. लेंथ ऑफ क्यूब ऑर्डर हॉल कितनी है सर, लेंथ 15 मीटर. ब्रेथ ऑफ क्यूब ऑर्डर हॉल 10 मीटर. हाइट ऑफ क्यूबॉइडल हॉल कितनी हाइट है सर, लेंथ ब्रेथ हाइट 7 मीटर. तो पहले आप ये देख लो कितना एरिया पेंट करना है. एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंट, एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंट, एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंट कितना पेंट होगा भाई. एरिया ऑफ फोर वॉल्स या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ये हॉल है तो आप एरिया ऑफ फोर वॉल्स लिख सकते हो, एक ही बात है वैसे. एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप सीलिंग. टॉप का मतलब सीलिंग, टॉप को क्या कहा गया है यहां पर, सीलिंग. ऑल राइट, आप टॉप भी लिख सकते हो भाई. एरिया ऑफ फोर वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. एरिया ऑफ सीलिंग लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, देख लो लेंथ और ब्रेथ आएगी भाई. सारे फेसेस रेक्टेंगुलर ही तो हैं, आपको समझाया गया था ये सारे फेसेस रेक्टेंगुलर हैं, तो एल इंटू बी. ऑल राइट करेक्ट, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 15 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 10. ऑल राइट, हाँ सर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. और अभी मैं कुछ नहीं किया, अभी मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने एरिया निकाला है इतना एरिया पेंट होगा बस. 2 15 प्लस 10 25, 2 इंटू 25 इंटू 7 प्लस 150, 50 इंटू 7, 25 इंटू टू 50, 50 इंटू 7 700 75 जा 35 प्लस 150, 500. क्या 500 क्या मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होगा. अंडरस्टूड, नोट कर लीजिएगा, इसके बाद समझाता हूँ आगे की बात. नोट हो गया सर, हाँ सर 500 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होगा. इसको कर देते हैं है रब, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, गिवन डेटा लिखना है, एक फॉर्मेलिटी है लेकिन लिखना जरूरी है भाई. चलिए अब देखिए भाई, हाउ मेनी केन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम. कितनी केन्स लगेंगी, अगर एक केन 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करती है तो
नंबर ऑफ केन्स रिक्वायर्ड, भाई एक केन ने 100 मीटर स्क्वायर किया तो 500 मीटर स्क्वायर कितनी केन करेंगी? 5 केन। कैसे? एरिया टू बी पेंट डिवाइड बाय एरिया पेंट बाय 1 केन। आई बात समझ? हाँ सर, समझ में आ गई बात। तो इसके बाद 500 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 5। लास्ट में आप लिख दोगे बॉक्स में करके। कैसे? हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केन्स इक्वल टू 5 केन लगेंगी। आई बात समझ? तो मेन काम यही था भाई कि कितना एरिया पेंट होगा। 500 मीटर स्क्वायर होगा, एक केन 100 मीटर स्क्वायर कर रही है तो 500 मीटर स्क्वायर कितना? 5 केन, 500 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 5। आ गई बात समझ? हाँ सर, बात समझ में आ गई। नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से, इसको आसान सा ये क्वेश्चन था। ओके बच्चों, हो गया नोट। तो आसान सा क्वेश्चन था, हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं कवर इस वाली वीडियो में। तो सर एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 है ये। ऑल राइट, आधे क्वेश्चंस हो गए हैं, पार्ट 2 में होंगे बाकी के आधे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। बट जाना कहीं नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है सर? ये है सर, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करा रहा है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन। ये आपको प्रोवाइड करा रहा है भाई हाई क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको केजी से लेकर 12th तक सारे क्लासेस के सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री। वीडियो लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ ही नहीं, NCERT सॉल्यूशन और भी जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको कराए जा रहे थे जाते रहेंगे। और DPPs डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, MCQs, सब कुछ यहाँ पर कवर हो रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री में। ओके बच्चों, बिल्कुल फ्री में, एक चैप्टर दो चैप्टर या एक दो वीडियोस की बात नहीं हो रही है, सब कुछ बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको करो लाइक और शेयर बॉस। ओके, सब्सक्राइब कर दिया, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था क्या क्या यहाँ पर ऑफर हो रहा है। आपको मिल जाता है केजी से लेकर 12th तक CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम। हाँ बिल्कुल सही देखा आपने, हिंदी मीडियम। आप जब चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर चैनल्स वाले सेक्शन में आपको एक और चैनल मिलेगा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। ऑल राइट, वहाँ पर आपको हिंदी मीडियम की वीडियोज मिलेंगी, मतलब कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा हिंदी में। ओके बॉस, एंड UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं। इतना ही नहीं बच्चों, स्पीकिंग कोर्स भी आपको मिल जाता है, इंग्लिश स्पोकन कोर्स आपको मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। एंड CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं। ऑल राइट भाई, हम छाए हुए हैं YouTube के प्लेटफॉर्म पर, आप हमें फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए जल्दी से, नहीं किया तो जल्दी से कर दो बॉस अभी। YouTube के साथ साथ हम और भी जगह पर छाए हुए हैं, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक। हमको आप फॉलो करिए इन सारे प्लेटफॉर्म पर और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। समझ में आ गई बात? हाँ सर, समझ में आ गई। बच्चों यहाँ पर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करते ही पहुँच जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। ओके बॉस, तो बस आपको पढ़ना है, सब कुछ हम लोग दे रहे हैं, और एक काम और करना है, हमें प्यार करना है। कैसे करेंगे प्यार? सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, बस इतना ही तो करना है। हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, आप बस इतना करिए, पढ़िए और सब्सक्राइब करिए, दैट्स इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।